आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। हालांकि कोरोना संक्रमण के मामले पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं, फिर भी मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले अत्यंत ही कम हो गए हैं। ऐसे में सरकार द्वारा सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के साथ ही मॉल, जिम, धार्मिक एवं मनोरंजन स्थल तक खोल दिए गए हैं, किंतु मनुष्य के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा के क्षेत्र की अभी भी उपेक्षा की जा रही है। यही कारण है कि प्रदेश में तीसरी लहर की शंका जताकर सारी शैक्षणिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप पड़ी हुई हैं, जिससे विद्यार्थियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बच्चों की मानसिक स्थिति भी स्कूल बंद होने से प्रभावित हो रही है। वहीं ऑफलाइन क्लास बंद होने से पालकों द्वारा भी स्कूलों को फीस नहीं दी जा रही है। ऑनलाइन क्लास से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव बना हुआ है। स्कूल संचालकों के साथ ही शिक्षकों की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। इस स्थिति को देखते हुए एमपी बोर्ड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मध्य प्रदेश के आह्वान पर सोमवार को प्रदेश भर में जिला कलेक्टर एवं शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिए गए। इंदौर में जिला कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी एवं डीआईजी कार्यालय में भी ज्ञापन सौंपे गए। इस दौरान स्कूल संचालकों ने अपने स्कूल की चाबियां भी अधिकारियों को सौंपने की बात कही। एमपी बोर्ड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के महासचिव सुबोध शर्मा ने बताया कि आज हमने अपनी 7 प्रमुख मांगे सरकार के समक्ष रखी हैं। ऐसे में सरकार को कोविड 19 के नियमों का पालन करते हुए नर्सरी से कक्षा 5वीं तक सप्ताह में 2 दिन तथा 6ठी से 8वीं तक अल्टरनेट डे एवं 9वीं से 12वीं तक नियमित रूप से कक्षा का संचालन करने के निर्देश जारी करना चाहिए। लॉकडाउन में बंद पड़े विद्यालयों के बिजली बिल, संपत्ति कर, कचरा प्रबंधन शुल्क को 2 वर्ष के लिए माफ किया जाना चाहिए। नवीनीकरण मान्यता 5 वर्ष के लिए शीघ्र जारी की जानी चाहिए। विद्यालय संचालन के लिए बैंक लोन की राशि की किश्तों हेतु दबाव नहीं बनाने के लिए सरकार को बैंकों को निर्देश जारी करना चाहिए। विद्यालयों को आर्थिक पैकेज के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ ही स्कूल इंस्टीट्यूशन एक्ट के तहत स्टाफ से अभद्र व्यवहार करने वाले बालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। आज ज्ञापन के दौरान मुख्य रूप से एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल सोनी, महासचिव सुबोध शर्मा, नगर अध्यक्ष अरुण खरात सहित बड़ी संख्या में स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं प्राइवेट स्कूल संचालक उपस्थित थे। बता दीजिए, जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लोग आप लोग आए कलेक्टर ऑफिस में, क्या किस विषय पर ज्ञापन देने आए? देखिए, कोरोना महामारी के कारण जो 18 महीने से विद्यालय बंद है, तो बंद होने के कारण विद्यालय की स्थिति बहुत चरमरा गई है। कुछ हद तक हमने सरकार के प्रोटोकॉल का पालन किया था, पर अब तो कोरोना समाप्त हो चुका है। थोड़ा बहुत कहीं कहीं केस मिल रहे हैं जो कि नगण्य माना जाएगा। मध्य प्रदेश के सारे मॉल्स खुल गए, मार्केट खुल गए, रोडवेज खुल गए, सिर्फ विद्यालय ही बंद रखा गया है, जो कि अनुचित है। विद्यालय बंद रखने के कारण हमारे बच्चों की मानसिक स्थिति बहुत ही गड़बड़ा गई है। जैसा कि अभी बताया जा रहा है, कोरोना महामारी की तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक है, और आप लोग जो स्कूल खोलने की मांग कर रहे हैं, यदि इस तरह अगर बच्चों में अगर कोरोना फैल जाता तो क्या उसकी जवाबदारी लेंगे आप लोग? ये तो घातक एक संदेह है, ये संभाविता वाली वाक्य है। इसको हम संयोग समझ सकते हैं, और जो भी एक ये जो आशा करते हैं कि ऐसा माना जा सकता है, इसको सियोरिटी नहीं मानेंगे। और सरकार ने पहले ही गाइडलाइन जारी किया है, SOP के तहत आप विद्यालय खोलें। तो हम पहली लहर के बाद नहीं माना गया था कि दूसरी भी आ सकती, पर दूसरी आ गई और बड़ी संख्या में लोगों की उसमें मृत्यु हुई। और ऐसे में WHO भी बोल रहा है, भारत के भी तमाम संस्थाएं बोल रही है कि तीसरी लहर भी आ सकती है और बच्चों के लिए घातक है, तो क्या आप लोग उसको नहीं मानते? नहीं, तीसरी लहर घातक है मैं मान रहा हूँ, पर ये घातक ये जो खुले हुए रोडवेज है, ये जो भीड़ भाड़ वाली जगह बाजार खुल गए हैं, इनके लिए भी घातक हो सकता है। पेरेंट्स तो बच्चों को लेके ही बाजार जाते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए स्कूल नहीं खोले जाएंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी ने इसी बात कही है वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक जो SOP होता है विद्यालय के लिए, उसको देखते हुए विद्यालय खोलना चाहिए, क्योंकि 18 महीने विद्यालय बंद हो चुके हैं। हम पूरी सावधानी बरतेंगे, वाणी हो जो राम रुचि राखा, इस पर भी तो हमें ध्यान देके चलना पड़ेगा। पालकों से कोई शपथ पत्र लेंगे बच्चों का, यदि कुछ हो जाता है तो? जी नहीं, पालक से शपथ पत्र नहीं, पालक के ऊपर यह छोड़ देंगे कि यदि विद्यालय भेजना चाह रहे हैं तो भेजें, नहीं भेजना चाह रहे हैं मत भेजें, कोई दबाव नहीं रहेगा, सहमति पत्र के द्वारा। लगाया गया
डॉक्टर ऑफिस में आए, क्या किस विषय को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है? विगत दो वर्षों से लगभग डेढ़ वर्ष हो गया और स्कूल बंद है, तो पहली प्राथमिकता हमारी है कि विद्यालय खुलना चाहिए और विद्यालय कोविड 19 के गाइडलाइन के अनुसार खुले। सरकार जैसा आदेश करेगी हम उसको लेकर के खोलने के लिए तैयार है। दूसरा है कि आरटी के पैसे 2016-17 से लेकर आज तक के की राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि ये राशि त्वरित स्कूल वालों को दी जाए ताकि इस कोरोना काल में जो ऑक्सीजन रूपी थोड़ी सी सहायता मिलेगी उससे स्कूल संचालक परेशान नहीं होगा और एक सहायता के रूप में उसे एक पैकेज मिल पाएगा। अभी तीसरी लहर का संभावित खतरा बताया जा रहा है और आप लोग स्कूल खोलने की मांग कर रहे हैं, क्या ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं, उनकी जान के साथ खिलवाड़ नहीं होगा? देखिए सर, आशंका है, कोई निश्चित कोई भी चीज़ नहीं होती। पानी की भी हम फोरकास्टिंग करते हैं परंतु जो फोरकास्टिंग होती है उसके अकॉर्डिंग होता नहीं। दूसरी बात सही, तमाम स्वास्थ्य संगठन इस मामले में जता रहे हैं कि तीसरी लहर आने की पूरी पूरी संभावना है जी। मुख्यमंत्री भी बोल चुके हैं कि तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए अभी स्कूल नहीं खोले जाएंगे। क्या आप लोग अगेंस्ट जाएंगे इस मामले में? नहीं, अगेंस्ट नहीं जा रहे, हम सरकार के आदेश का पालन करेंगे और कोविड गाइडलाइन के अनुसार जैसे दूसरे संस्थान खोले जा रहे हैं उस प्रकार से स्कूल खोले और उसके तहत हम चाहते हैं कि 9 से 12 तक के नियमित खोले जाए, 6 से 8 तक के अल्टरनेट डे में खोले जाए और 1st से लेकर 5th तक के वीक में 2 डेज खोले जाए। क्या सरकार को किसी प्रकार का कोई शपथ पत्र दिया जाएगा आपकी एसोसिएशन के? बिल्कुल दिया जाएगा। इस प्रकार सरकार अगर कोई आदेश मांगती है हमसे, निवेदन करती है कि आपको इस प्रकार से कुछ गाइडलाइन बना के दी जाए, तो हम उसके लिए तैयार हैं।